हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस डिटरमिनेंट्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैट्रिसेस। अगर आपने मैट्रिक्स के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देखें। जब तक आप मैट्रिक्स को पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको डिटरमिनेंट्स क्लियर नहीं होगा। तो उसके पहले आप एक बार मैट्रिक्स को रिवाइज करें और बहुत ही अच्छे से रिवाइज करें, जिससे आपको डिटरमिनेंट्स में कोई दिक्कत ना हो। आपको हम रीकैप करते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से या फिर इस वाले सिंबल से। नाउ लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे। इसका ऑर्डर गिवन है एन क्रॉस एन, और हमने आपको बताया था जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी डिटर्मिनेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा ए। इस टाइप से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट्स होता है या जो मैट्रिक्स होती है वो एक नंबर होता है, और कैसा नंबर होता है? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ दैट इज एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 2, -1, 3, 5। मतलब जो मैट्रिक्स है अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 13 होगी। आपको हमने बताया था मैट्रिक्स एक नंबर का अरेंजमेंट होता है जबकि डिटर्मिनेंट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 13 नहीं हो सकती है, इसमें केवल हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, इस डिटर्मिनेंट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 = 10, -3 × -1 तो +3 हो जाएगा, तो 10 + 3 = 13। तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 13 होगी। तो ये तो आपका सही है लेकिन ये आपका गलत है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कैसे करते हैं? तो फर्स्ट टाइप का जो डिटरमिनेंट है वो हमने ले रखा है 1, 1 ऑर्डर का। दैट मींस ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है A11, इसका ऑर्डर है 1 × 1। दैट मींस 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो उसको मिलेगा A11। मतलब जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखा होगा वही डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होगी। इसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्डर, दैट मीन्स 2 × 2 ऑर्डर। एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटरमिनेंट्स क्लियर कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, अब ये होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगनल एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया कि जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो A11, A22 होगा, ऑफ डायगनल एलिमेंट्स A21 एंड A12 होगा। मतलब ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स और इसको बोलेंगे हम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स। तो इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे A11 × A22, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, A11 × A22, माइनस साइन लगाएंगे बीच में, A21 × A12। तो ये आपका हो गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल ले रखा हुआ है मैट ए इज इक्वल टू 2 − 3 = 4, 7। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे करते हैं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट पहले लिखा जाता है, फिर बीच में माइनस साइन, ऑफ डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट बाद में लिखते हैं। तो 2 × 7 − 4 × −3, तो 2 × 7 = 14, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, −12 होगा तो −−+12 हो जाएगा, तो 14 + 12 = 26। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, a इज इक्वल टू 1 + i। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, और हमने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स या जो डिटरमिनेंट्स होता है वो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। तो 1 + i − 3 = 2i। अगेन वी फाइंड आउट
डिटरमिनेंट्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 प्लस आई इंटू 2i माइनस 0 इंटू माइनस 3, तो 0 इंटू माइनस 3 हो जाएगा। 2i का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो 2i मिलेगा, प्लस 2i का मल्टीप्लाई i से कराएंगे तो हो जाएगा 2i स्क्वायर माइनस 0 इंटू माइनस 3, दैट मीन 0। तो आपका ये 2i जो है वो 2i रहेगा, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो हो गया 2 इंटू माइनस 1, तो 2i ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2, तो 2i माइनस 2 इज इक्वल टू, हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा i माइनस 1। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट पर, थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या होती है। तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 ऑर्डर है। ये हमारी आर वन होगी, फर्स्ट रो होगी, ये सेकेंड रो होगी और ये थर्ड रो होगी। 3x3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं या 6 बेस होते हैं। हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एलोंग आर वन, एलोंग आर टू, एलोंग आर थ्री, या फिर एलोंग सी वन, ये आपका कॉलम फर्स्ट है, एलोंग सी टू, या फिर एलोंग सी थ्री। वर्किंग सेम होती है, कुछ भी वर्किंग में डिफरेंस नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक दिखाते हैं एक्सपेंशन एलोंग आर वन, आर वन के एलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कैसे भी कभी भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे एलोंग आर वन, देखिए कैसे करते हैं। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे एलोंग ए वन, तो डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, तो आपको आर वन के एलोंग एक्सपेंड करना है, ये आपकी आर वन है, तो आपको आर वन के ही एलिमेंट्स यूज करने हैं। तो कैसे करेंगे ध्यान दें, जब हम पहला एलिमेंट लेंगे दैट मीन्स ए वन वन लेंगे, तो आपने ए वन वन यहां लिख दिया। इसके बाद फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स बचेगी वो ये मैट्रिक्स होगी, इस पर ध्यान दें, यही मैट्रिक्स आपकी बचेगी। इसी मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है, तो ए टू टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू इंटू ए टू थ्री, जैसे लास्ट टाइम किया था। बीच में आगे वाला जो टर्म आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस साइन लगाएंगे। अब सेकेंड टर्म लेंगे ए वन टू, ए वन टू ले लिया आपने, ए वन टू हो गया। अब ब्रैकेट में आएंगे, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे, जब आपने ए वन टू लिया हुआ है तो ये फर्स्ट रो का ए वन टू एलिमेंट है, फर्स्ट रो ड्रॉप कर देंगे, और ए वन टू जो है वो सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे। जैसे आपने पहले लिया था ए वन वन, तो आपने फर्स्ट रो ड्रॉप की थी और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप किया था। जब आप लेंगे ए वन टू, तो ए वन टू का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे। अब जो भी एलिमेंट बचेंगे उसका हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, क्या बचेगा, ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन एंड ए थ्री थ्री, तो मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिलेगा आपको ए टू वन इंटू ए टू थ्री, सॉरी थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए टू थ्री। अब थर्ड वाला एलिमेंट लेंगे, जो थर्ड वाला एलिमेंट लेंगे उसके साथ प्लस साइन आएगा, मतलब पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ए वन थ्री आ गया। ए वन थ्री का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो छोड़ेंगे वही आपकी फर्स्ट रो होगी और थर्ड वाला कॉलम छोड़ देंगे। जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ए टू वन इंटू ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू टू, ये आपको मिलेगा। जब ए वन थ्री लेंगे तो ए टू वन इंटू ए थ्री टू माइनस ए थ्री वन इंटू ए टू टू। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 1 2 4 माइनस 1 3 0 4 1 0। अब जब बात आती है एक्सपेंड करने की, तो अब कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड अलोंग आर वन। ध्यान दें बहुत ही आसान है। तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है, तो लिखेंगे हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए वन वन, यहां पर आता है दैट मीन्स आपको पहले फर्स्ट एलिमेंट लेना है। तो जब फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे। अब हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 3 0 1 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 × 0 माइनस 1 × 0, 3 × 0 माइनस 1 × 0। सेकेंड एलिमेंट, जब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं, इसका मतलब हुआ पहले हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं फिर माइनस साइन यूज करते हैं
और फिर प्लस साइन यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए, जब हम 2 लेंगे तो माइनस 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, अब क्या बचेगा, फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो बचेगा माइनस 1 0 4 0। कैसे करेंगे, माइनस 1 × 0 माइनस 4 × 0, ये किया है आपका माइनस 1 × 0 माइनस 4 × 0। अब हम ले लेंगे लास्ट वाला एलिमेंट, दैट मींस 4। तो जब 4 लेंगे तो उसके साथ हम साइन लेंगे प्लस का, तो 4 ले लिया तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और थर्ड वाला कॉलम ड्रॉप कर देंगे, एलिमेंट्स बचेंगे माइनस 1 3 4 1। इसको देखते हैं, तो जब इसको लेंगे तो माइनस 1 × 1 माइनस 4 × 3। अब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 1 × ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 माइनस 2, माइनस 1 × 0 दैट मीन्स 0, माइनस 4 × 0 दैट मीन्स 0, प्लस 4 लेंगे तो माइनस 1 × 1 माइनस 1 माइनस 4 × 3 = 12 दैट मीन्स 12। तो ये आपका 0 हो गया, ये वाला भी आपका ब्रैकेट 0 हो गया। इधर आते हैं तो माइनस वन माइनस 12 माइनस 13 माइनस 13 × 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 52। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो हमेशा डिटरमिनेंट्स को प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद ही हम लोग इनको एक्सपेंड कर देंगे करेंगे। तो इसमें लगभग 10 प्रॉपर्टीज हैं, इनको डिस्कस करेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट दे रखी है वो प्रॉपर्टी फर्स्ट गिवन है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज इट्स रोज इनटू करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। मतलब द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ वी इंटरचेंज इट्स रोज इनटू करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रोज को उनके करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। अब इंटरचेंज कैसे करेंगे, मतलब R1 जो आपकी रो फर्स्ट है उसको फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कराएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज कराएंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज कराएंगे, जो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेट करते हैं, लेट A = एक ही मैट्रिक्स है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर गिवन है वो n × n का ऑर्डर गिवन है। अगर n क्रॉस n का ऑर्डर गिवन है दैट मींस मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो डेफिनेशन गिवन है, जो प्रॉपर्टी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करें उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी अगर हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज करा दें। इंटरचेंज कराने का मतलब वो होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स जो होगा वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट्स के इक्वल होगा, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए होगा। और ट्रांसपोज ए का जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है A = 2 − 1 0 7, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 कॉलम्स हैं और 2 इसमें रोज दे रखी हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले हम लोग फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स जब फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 माइनस 0 × −1, सिंप्लीफाई करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 14। डिटरमिनेंट्स ऑफ A = 14 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने का मतलब हुआ कि उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ A = फर्स्ट कॉलम को पुट कर दिया फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम को पुट कर दिया सेकेंड रो में, तो आपको ये मैट्रिक्स मिली हुई है। अब इस मैट्रिक्स का हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 × 7 माइनस 1 × 0, सिंप्लीफाई करने पर आपको कितना मिला 4। तो इसे क्लियर हो गया
कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स है वो इक्वल होगा उसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके डिटरमिनेंट्स के इक्वल होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन डिटरमिनेंट चेंजेस बाय साइन ओनली। मींस किसी भी मैट्रिक्स की एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होगा उसका केवल साइन चेंज होगा। मतलब अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो बाद में नेगेटिव आएगी, और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। दैट मींस पहली वाली मैट्रिक्स हमारी है वो डेल्टा वन है, वो इक्वल आएगी माइनस डेल्टा के। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा भी हम डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट्स के लिए ही। तो देखिए एक मैट्रिक्स लेट कर रखी है, लेट ए इज इक्वल टू, ये आपकी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स। तो जब डिटरमिनेंट्स को फाइंड करेंगे तो उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं डेल्टा से। तो देखिए आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने पर, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था वैसे ही आपको करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जब लेंगे तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर देंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या, ये एलिमेंट्स बचेंगे जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे 1 × 3 × 0 माइनस 1 × 0, दैट मीन्स 0 ही मिलेगा। माइनस 2, जब सेकेंड एलिमेंट लेते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस 2 ब्रैकेट। अब सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे तो माइनस 1 × 0 दैट मीन्स 0, 4 × 0 दैट मीन्स 0, कुल मिलाकर के मिलेगा आपको 0 − 0। अब लेंगे हम 4, तो जब 4 लेंगे तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे, तो प्लस का 4 थर्ड कॉलम को ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट रो को ड्रॉप करेंगे तो माइनस 1 × 1 माइनस 4 × 3, तो ये आएगा माइनस का 13। तो माइनस 13 × 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 52, तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस 52। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज करने के लिए सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल होता है इंटरचेंज का। मतलब R1 को R2 को रिप्लेस कराएंगे और R2 को रिप्लेस कराएंगे R1 से। तो रिप्लेस करा दिया, देखिए जो पहले मैट्रिक्स गिवन है उसमें R1 और R2 को इंटरचेंज करा दिया, R3 हमारा जैसा था वैसे रखा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इस क्या हम फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। माइनस 1 लिया तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे, 2 × 0 माइनस 1 × 4, तो 0 − 4 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट जब भी हम लेते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस 3 ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे, सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो क्या मिलेगा 1 × 0 दैट मीन 0 माइनस 4 × 4 दैट मीन 16, प्लस थर्ड एलिमेंट गिवन है 0 तो प्लस का 0 ब्रैकेट। थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे तो बचेगा 1 × 1 माइनस 4 × 8 दैट मीन 8, 4 × 2 दैट मीन्स 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 − 4 दैट मीन्स माइनस 4, माइनस 4 × −1 दैट मीन्स प्लस का 4, माइनस 3, 0 − 16 दैट मीन्स माइनस 16, और प्लस किसी ब्रैकेट के बाहर अगर 0 लगा हुआ है दैट मीन्स 0 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट को कराएंगे तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, 16 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 48, और 48 प्लस 4 करेंगे 52 आएगा। तो इस मैट्रिक्स को हमने लेट कर रखा था डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है 52, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू वैल्यू 52 ये भी आ रही, और डेल्टा की जो वैल्यू आई थी माइनस 52 आई थी, दैट मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी मैट्रिक्स की एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज कराते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स का केवल साइन चेंज होता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आपका डिजिट वही बना रहेगा, नंबर आपका वही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर 90% क्वेश्चंस में इसका हमें यूज करना है और यूज होती है, और ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अटेंड करते हैं एनडीए वगैरह या आईआईटी जेई का एग्जाम अटेंड करते हैं मेंस में, ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, तो इस पर ध्यान दें। और बहुत ईजी है,
इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम एलिमेंट्स, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। किसी भी मैट्रिक्स में टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर वैल्यू सेम है, टू रोज या टू कॉलम्स की वैल्यू सेम है, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिकल, और उसकी जो उसका जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन। इसका मतलब क्या होगा कि जो आर वन है उसके एलिमेंट और आर थ्री जो है उसके एलिमेंट सेम है, ए वन ए वन बी वन बी वन सी वन सी वन, या हमने लिख दिया हुआ है आर वन इज इक्वल टू आर थ्री, आइडेंटिकल है दोनों। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो ब्रेक करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अलोंग आर वन। तो पहले हमने क्या ले रखा है, पहले हमने लिखा हुआ है ए वन, ए वन जब ए वन लेंगे तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट कॉलम ड्रॉप करेंगे, तो बचा क्या हमारे पास बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू। सेकेंड एलिमेंट जब लेते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं, तो माइनस बी वन। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे, तो बचेगा ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू प्लस सी वन, सी वन जब यूज करेंगे तो प्लस का साइन यूज करेंगे। अब थर्ड रो ड्रॉप कर देंगे और फर्स्ट थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे और फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। और जब इसको आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो जीरो मिलेगा आपको, आप करके देख सकते हैं इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर, लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर गिवन है एन क्रॉस एन, दैट मीन्स ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी आपको, के ए डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझें कि एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट होगा के ए, मतलब के जो मैट्रिक्स गिवन है ए, उसमें हमने के से मल्टीप्लाई करा दिया, उसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा के टू पावर एन, मतलब के जो है वो आपका एक नंबर है जिससे आपने मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कराया हुआ है, एन क्या है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल होंगी। ये कॉम्पिटिटिव में बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको भी ध्यान रखें, बहुत ही पूछी जाती है, इस पर कई क्वेश्चंस एक नंबर के पूछे जाते हैं, जो बेसिकली एनसीईआरटी में के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई एग्जाम में एग्जाम में जो वन मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप करते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, तो इसको भी ध्यान रखें अच्छे से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर फाइव। प्रॉपर्टी नंबर फाइव गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू, एक आपको लेनी है डायगनल मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगनल मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगनल है उसको छोड़कर जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी जीरो होते हैं। तो आपने एक मैट्रिक्स ले रखी है, तो ये आपकी डायगनल मैट्रिक्स है, तो देखिए जो मेन डायगनल है इसको बोलते हैं लीडिंग डायगनल, डी वन डी टू डी थ्री, और अदर जो एलिमेंट है इनको बोलते हैं नॉन डायगनल एलिमेंट्स या नॉन डायगनल एलिमेंट्स ही बोलते हैं। तो लीडिंग डायगनल आपका है डी वन डी टू डी थ्री, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं सभी, जितने नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो हैं। इसको और हम इंडिकेट करते हैं इज इक्वल टू डायगनल डी वन कॉमन डी टू कॉमन डी थ्री। तो जब इस डायगनल मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो जो लीडिंग डायगनल होता है उसके सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करा देते हैं, तो डी वन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डी वन इंटू डी टू इंटू डी थ्री, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। अगर दो मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स आपकी ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, और दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, तो दोनों का प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट्स होगा, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी के प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट्स होगा वो इक्वल होगा
दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट के, दैट मीन्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। अब हम आपको यहां पर दो एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, -1, 0 और सेकेंड मैट्रिक्स बी है 1, 2, 3, 4। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट फाइंड कराएंगे, दैट मीन्स ए बी फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ था। तो ये देखिए प्रोडक्ट गिवन है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो आपको ये मिलेगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराएंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई, ये सेकंड रो है आपकी, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो आपको ये मिलेगा, और सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कराएंगे तो आपको ये मिलेगा। सिंप्लीफाई करने पर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी 11, 16, -1, -2। दैट मीन्स ये आपको जो वैल्यू मिली हुई है, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स ए बी है। अब इस मैट्रिक्स ए बी का फाइंड करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 × -2, बीच में माइनस साइन होता है, -1 × 16, तो -1 × 16, 11 × 22 - 22, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1 × 16, दैट मीन 16। तो -22 + 16 करेंगे तो मिलेगा आपको -6। अब जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपकी दे रखी है 2, 3, -1, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2 × 0 - -1 × 3, तो 0, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 बन जाए 3, तो 0 + 3 दैट मीन्स 3। अब जो मैट्रिक्स बी गिवन है उसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या गिवन है, 1, 2, 3, 4, वही वर्किंग है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो 1 × 4 - 3 × 2, तो 4 बन जाए 4 - 3 = 6, तो 4 - 6 करेंगे तो मिलेगा आपको -2। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू है -2, तो 3 × 2 = 6, दैट मीन्स -6। तो मैट्रिक्स ए बी की जो थी उसका जो डिटरमिनेंट है वो किसके कुल आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 7 को जरा दोबारा से देखें, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर एन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर एन। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर उसकी पावर लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, जबकि किसी मैट्रिक्स की पावर को सॉल्व करने के बाद उसका डिटरमिनेंट लेना टू मच कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है। हम लोग करके देखते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, -1, 0, तो थोड़ा इजी करके सॉल्व करेंगे हम, पहले फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, तो ये ए है इंटू ए, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे कराते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से तो आपको ये मिलेगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो आपको ये मिलेगा, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, और सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो आपको ये मिलेगा। सिंप्लीफाई कराएंगे तो मिलेगा आपको 4 - 3, 6 + 0, -2 + 0, -3 + 0, तो 4 - 3 करेंगे तो मिलेगा 1, 6 + 0 करेंगे तो 6, -2 + 0 करेंगे तो -2, और -3 + 0 करेंगे तो मिलेगा आपको -3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट्स, ये आपको वैल्यू मिली हुई है ए स्क्वायर की। तो जब ए स्क्वायर का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 1 × -3 - -2 × 6, तो 1 × -3 करेंगे तो -3 मिलेगा, -+6 × 12, 12 - 3 करेंगे तो मिलेगा आपको 9। ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड है उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो जब उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 0, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन जाते हैं, इस मैट्रिक्स का आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट, कैसे करेंगे, 2 × 0 - -1 × 3, तो 2 × 0
माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो ये आपको जीरो मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस वन इंटू थ्री, दैट मीन्स थ्री, जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, ये आपका निकला हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर किया था यहां पर हम स्क्वायर करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है थ्री, उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा नाइन। दैट मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट ए। अब यहां पर एक नोट है, इसका यूज भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में इस पर बेस्ड, तो ध्यान दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर एट, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर जीरो, देन डिटर्मिनेंट ऑल्सो जीरो। इसका मतलब ये हुआ, किसी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं तो उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू जीरो होगी। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, मतलब जो फर्स्ट रो है इसके सारे एलिमेंट जीरो है, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जीरो आएगी। जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हों, आप सेकेंड रो के सभी एलिमेंट जीरो ले सकते हैं, थर्ड रो के सारे एलिमेंट जीरो ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो ले लें, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट जीरो ले सकते हैं, या थर्ड कॉलम के एलिमेंट जीरो ले सकते हैं। तो जब किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो होंगे तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, जीरो इंटू, जब जीरो लेंगे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये आपको ब्रैकेट मिलेगा, तो ब्रैकेट के पहले जो अगर जीरो लगाते हैं तो उस ब्रैकेट की वैल्यू जीरो होती है। दैट मीन्स तीनों ब्रैकेट के पहले हमारा जीरो जीरो लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका आंसर जीरो आएगा। तो ध्यान रखें, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी कॉलम या कोई रो कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो भी जीरो होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर नाइन, प्रॉपर्टी नंबर नाइन में क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑड है, दैट मीन्स वन क्रॉस वन हो सकता है, थ्री क्रॉस थ्री हो सकता है, फाइव क्रॉस फाइव हो सकता है, मतलब वन क्रॉस वन, थ्री क्रॉस थ्री, या फाइव क्रॉस फोर, फोर फाइव, या सेवन क्रॉस सेवन, मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा, इसका मतलब समझना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। जो मैट्रिक्स आपको लेनी है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और उसका जो ऑर्डर है वो ऑड ऑर्डर होना चाहिए, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो जीरो आएगा। आप करके चेक कर सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स ले रखी है और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको चेक कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होती है, जो मैट्रिक्स गिवन होती है उस मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उसका ट्रांसपोज जो है वो निगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, अगर निगेटिव साइन के साथ आता है तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, मैट्रिक्स पॉजिटिव आती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो जीरो इंटू, इसके पहले जो ब्रैकेट यूज होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो पहले लिखा हुआ है, फिर सेकेंड एलिमेंट लेंगे और सेकेंड एलिमेंट के साथ हम लोग माइनस साइन का यूज करते हैं तो माइनस ए हो जाएगा, तो फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे और सेकेंड कॉलम ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ए इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो, माइनस बी इंटू सी, दैट मीन्स माइनस बी सी, तो जाएगा प्लस का बी सी, प्लस अब लेंगे थर्ड एलिमेंट प्लस का बी, थर्ड कॉलम ड्रॉप करेंगे, फर्स्ट रो ड्रॉप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ए इंटू माइनस सी, दैट मीन्स प्लस का ए सी हो जाएगा, और माइनस माइनस बी इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो, तो ये तो पूरा आपको जीरो हो गया।
जीरो प्लस बीसी करेंगे तो प्लस का बीसी मिलेगा, और उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस ए से तो मिलेगा माइनस का एबीसी, प्लस बी का मल्टीप्लाई ए सी से कराएंगे तो आपको मिलेगा एबीसी। तो एबीसी और माइनस के एबीसी कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको, जीरो। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड ऑर्डर है तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है, जितने भी 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली ये यूज होती है। क्वेश्चन देख करके ही आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है कौन सी नहीं। तो देखिए कैसा होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब कोई एक मैट्रिक्स गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स और इस टाइप की दे रखी है, ए वन प्लस लेमडा बी वन, ए टू प्लस लेमडा बी टू, ए थ्री प्लस लेमडा बी थ्री, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब जरूरी नहीं कि इस टाइप की जो मैट्रिक्स है वो फर्स्ट रो में ही हो, ऐसा नहीं है, ये सेकेंड रो में भी हो सकती है, थर्ड रो में भी हो सकती है, या फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, या थर्ड कॉलम में भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसको ब्रेक कैसे करते हैं तो देखिए ध्यान से, ए वन प्लस लेमडा बी वन ये दो टर्म का एडिशन दे रखा है तो दोनों टर्म को अलग अलग ब्रेक करेंगे, दैट मीन्स दो मैट्रिक्स बनेंगी, ए वन पहले के साथ लेंगे और लेमडा बी वन दूसरे के साथ लेंगे। तो देखिए कैसे लिखा, ए वन और ये पी एक्स जैसा वैसे ही रहेगा, तो ए वन पी एक्स, ए टू क्यू वाई और ए थ्री आर जेड, ये हो गया आपका फर्स्ट मैट्रिक्स। प्लस बीच में प्लस का साइन लगा हो तो प्लस को साइन लगाएंगे, अगर माइनस को साइन गिवन होता तो यहां पर माइनस को साइन यूज करते हैं। अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट्स लेंगे, लेमडा बी वन पी एक्स जैसा वैसे ही रहेगा, लेमडा बी टू क्यू वाई, लेमडा बी थ्री आर जेड, तो ये दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे प्लस इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और दोनों का सम फाइंड करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प हो सके। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर, थैंक यू।